रूप बदलन। एक दिन यीशु अपना तीन चेलों पतरस याकूब यहुन्ना ते अबदग ले उ प्रार्थना कनु को एक ऊंचा पहाड़ पर गए। जब यीशु प्रार्थना कनु छौ तो वे को मुख सूरज का जन चमकी के उज्ज्वल वेगे, वे का कपड़ा उजल का जन सफेद वेगिन, जन धरती पर कोई धोबी भी निकैर सकत। तब मूसार एलिया भविष्यवक्ता प्रगट वेन, यु आदिम धरती पर ये बगत से कई सालों पहल रांद छा। ऊल यीशु बटी वे की मौत का बारे में बात कहरी कि वो जल्द ही यरूशलेम में मर जाल। जब मूसार एलिया यीशु बटी बात करना छा तब पतरसल यीशु बटी बोली, हमार एक होण अच्छ छ, हम तीन तंबू थे बनौला, एक तुए को, एक मूसा को और एक एलिया को। पर पतरस नि जानत छौ कि ऊ क्या बोलनु छ। जब पतरस बात करनु छौ तो एक चमकदार बादल मुड़े के ऊँ ते छिपे दीन। फिर उन बादल में बैठी एक आवाज ते सुनी, वेल बोली, यू मेर नौन च, जय बेटी, मैं बहुत प्रेम कर दू, मैं तुए बेटी खुश छौ। ये की सुना उतिन चेले डर गिन और धरती पर पड़ गिन। तब ये शुलू ऊँ ते छुई और बोली, डराना, उठ जावा। जब उन चौतरफा देखी तो उख बस यीशु ही छौ। यीशु और उत्तीन चेला वे डांड बेटी वापस मुड़ेन। तब यीशु लो ऊँ बेटी बोली, अभी जो एक हुए वे की चर्चा कै बेटी निकर हैं, मैं जल्द ही मर जौलू और फिर जूंद हुए जौलू, यहाँ का बात तुम लोग खुद बता सकदा छा। मत्ती अध्याय 17:1-9, मरकुस 9:2-8, लूका 9:28-36 बटी 1 बाइबल की कथा।